नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी सुबह उठने पे सबसे ज्यादा जो मैसेज है वो BHOPG रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और वो क्या है कि सर ये माइग्रेशन हमारा सही है या गलत। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं कोई वीडियोस देख रहे हो और फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आप फिर यहाँ पे मैसेज करके पुलिसिंग करा रहे हो, सर ये चेक कर लो। तो आप ये सब चीजें भाग दौड़ करने से अच्छा है कि आपको खुद पता चल जाए कि एक्चुअली ये अंडरटेकिंग कहाँ पे है और कौन सही है कौन गलत। मैं बड़ा कंफ्यूज इस चीज को लेके हूं कि ऑफिशियल चीजों में डाउट क्यों हो रहा है, जब BHO ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि आपका जो न्यू या आपका जो ऑफिशियल माइग्रेशन अंडरटेकिंग फॉर्म है वो ये है। तो आप उसको फिलअप करो, बात खत्म करो। और थोड़ा सा एक शर्मिंदगी वाली बात कुछ और यूट्यूब चैनल्स के लिए ये है कि आप लोग ने गलत माइग्रेशन अपलोड क्यों किया। ये आप नहीं तय करोगे कि आपका माइग्रेशन सही है या BHO जो है वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। बच्चों के इस दिमाग में शंका पैदा करना, क्योंकि आप चैनल क्यों चलाते हो, आप चैनल चलाते हो बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी काउंसलिंग स्मूथ हो जाए, उनका एडमिशन जो है बहुत आसानी से हो जाए, इसलिए आप चैनल चलाते हो। इसलिए नहीं कि आप अपने हिसाब से चीजों को तय करो। तो अब मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, क्योंकि भाई YouTube एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई किसी का वीडियो किसी के स्क्रीन पे आ जाता है वो उस पर भरोसा कर लेता है। बच्चों को भरोसा करने में समय लगता है, हम किसी भी आदमी पर ट्रस्ट कैसे करते हैं, समय के साथ कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को भी तय करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा रिकॉर्ड भी देखा करो, कौन सा चैनल आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका चुनाव करना बेहद जरूरी है। ये छोटी सी गलती आपके एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और आने वाले समय में कभी कोई बड़ी गलती भी आप कर सकते हो, और ऐसा बहुत चैनलों ने अपने भविष्य में और अपने कर सकते हैं और अपने भूत में कर रखे, अपने पास्ट में किए हैं, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उनकी छोटी छोटी गलतियां और फिर दिन भर कॉल अपन रिसीव करता है और अपने को जाके इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म के मैसेज रीड करके रिप्लाई करना पड़ता है, अच्छा ये सही है ये गलत है। तो मैं वीडियो पता है मैं चाहूं तो एक वीडियो बना के पैर खींचे खींच लूं, लेकिन मेरे को दो बिग प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। एक तो बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं तो आते पाठशाला पे हैं, पहली चीज तो कहीं ना कहीं समाधान तो मुझे ही करना है। कोई जाके ऑफिस में नहीं बात किया होगा इसके लिए, लेकिन मैं जाके बात किया और फ्यूचर में भी आप देखोगे सबसे ज्यादा एक्टिव मैं ही नजर आऊंगा पूरे काउंसलिंग के दरमियान। और दूसरी चीज जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं वीडियो बच्चों को अवेयरनेस के लिए बनाता हूं, बच्चों के बीच में ये बात जो सही है जो ऑफिशियल है वो ले जाने के लिए बनाता हूँ। मेरा व्यूज पाना अगर काम होता ना भाई, ये सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूसरे चीज पे लगा होता आराम से, जाहिर सी बात है जहां पे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1.5-2 महीना अगर आपके एडमिशन में ध्यान दे दे आदमी, तो आपका एक तरह से एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। काउंसलिंग एक बिग थिंग, आप इसको नॉर्मली हल्के में नहीं ले सकते हो। तो प्लीज आप सभी जो व्यूअर्स है, चाहे छोटे मेरे भाई बहन हो चाहे जो बहुत ही विद्वान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप तमाम लोगों तक पहुंचाओ कि वो सही चैनल का चुनाव कर सके। आप 1000 चैनल फॉलो करते हो, एक सही चैनल तो फॉलो करो और कम से कम एक ऐसा चैनल को भी देखो और उसकी बात की, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता वीडियो बनाने में। मैं तो बार बार बोलता हूँ फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करो, आप अपनी तैयारी में भी जल्दबाजी मत करो, आप अपने काउंसलिंग में भी जल्दबाजी मत करो। मैं काम करता हूं कि चीजें सही जाए, सही समय पे मिल जाए, बस इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे सबसे पहले और सबसे सटीक चीज पे काम करता हूं, बात ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले के चक्कर में कोई गलती नहीं करता मैं। तो माइग्रेशन बच्चों के मन में जो बार बार शंका है इसको मैं क्लियरफाई कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ये है BHO का जो न्यू पोर्टल है जहां से आप लोग अपना क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि इस बार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाना चाहिए, प्लीज अब मुझे मैसेज मत करना, मतलब इससे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो देख लो मैं समाधान बता दिया। दूसरी चीज, जहां पे गलत माइग्रेशन का वीडियोस देख रहा हूं आप उनसे रिक्वेस्ट कर दो, ऑनर का नंबर होगा या कोई उनका ऑफिशियल अकाउंट हो जहां से आप उन तक पहुंच सकते हो, तुमसे रिक्वेस्ट करो कि सर देखो प्लीज आप चैनल चला रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को हटा दो, या फिर हटाओ नहीं तो कम से कम एक क्लियरिफाई करो नेक्स्ट वीडियो में कि देखो भाई इस तरह गलती हुई है, क्योंकि बच्चा शंका में है ना, उससे उनके चैनल की इमेज जा रही है, सिंपल सी बात है। चलो मैं और हाँ, इस चैनल को जो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो भाई यहाँ तो कम से कम आपको सही चीज मिल रही है, तो कम से कम एक चैनल आपके सब्सक्राइब चैनल में होना ही चाहिए जो कि ऑफिशियल चीजों को कम से कम क्लियरिफाई करे, डाउट आपका क्लियर करे। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये न्यू वेबसाइट है, आप इसको ओपन कर लिए, एकदम यहाँ पे जैसे आप जाते हो
ठीक है। आप ये देखो यहां पे इस चीज को नीचे ले आते हैं तो, ठीक है नया ओपन कर लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा, फिर से ओपन करके दिखाते हैं बीएचयू सामर्थ्य। ठीक है इसको मैंने ओपन किया, ये आ गया। ठीक है देखो ये अंडरटेकिंग सारा स्क्रॉल होके इसको मैंने क्लिक कर दिया। जैसे स्क्रॉल की क्लिक किए, ये आपका ऑफिशियल माइग्रेशन अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कि बच्चों को फिलअप करना है। ठीक है ठीक है, इसको प्रिंट आउट निकालो, इसको भरो और फाइनली इसका पिक क्लिक करके या इसका जो भी पीडीएफ बनाकर अपलोड करने का प्रोसेस है आप उसे अपलोड करो। तो सिंपल सा मेथड है, फ्यूचर में ऐसी गलती मत करना। ठीक है मैंने इसके लिए ऑफिस में बात करी थी, आपने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना। इसके लिए मैंने ऑफिस में बात करी है आप लोग के करेक्शन विंडो के लिए, मैं इनको मेल किया हूं आप लोग की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम रेज किया हूं सीएससी को, एडमिशन कमेटी को, कि प्लीज सर बच्चों को इसी के पैरेलल जो है आप क्या कम से कम एडिट ऑप्शन दे दो, एटलीस्ट 1-2 times एडिट ऑप्शन दे दो, या एंड ऑफ द काउंसलिंग में एडिट ऑप्शन दे दो कि बच्चा इस माइग्रेशन को सही कर सके, कोर्स और एड ऑन कर सके और तमाम चीज जो लोग भूल गए हैं उसको सही कर सके। मैंने रिक्वेस्ट की है वहां पे, आप मेरा वीडियो देख लेना ऑफिस में विजिट करके बोला आप सभी के लिए। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें और सही माइग्रेशन जो है ये अपलोड करें। ठीक है क्योंकि फॉर्म के लास्ट में आप क्या क्लिक करते हो कि आई वेरीफाइड एवरीथिंग अपलोडेड ऑन माई पोर्टल, मतलब आप डिक्लेरेशन कर देते हो कि हाँ ये सब कुछ मैंने अपने होशोवास में भरा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर कुछ गलत होता है कि नहीं, इनकेस किसी सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोर्ट जाओगे तो आप नहीं जीतने वाले, क्योंकि आपने तो वेरीफाई किया हुआ है कि मैं अपनी साइड सब कुछ सही किया हूं। मैं बस एक बात बता रहा हूं, माइग्रेशन अंडरटेकिंग नॉट बिग थिंग बट ये क्या है, एक स्टार्टिंग में सबक है, इस सबक को लेना है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करनी। सपोज आप कोई बड़ी गलती कर दो, कोई ग्रेड कार्ड गलत अपलोड करवा दिया आप लोगों से सपोज, तो फिर तो आपका एडमिशन नहीं कैंसिल, क्योंकि वहां तो उस पर बेस्ड है आपका एडमिशन। तो माइग्रेशन नॉट बिग थिंग जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल होगा, लेकिन ये अपडेटेड ऑप्शन फिलअप करना। ठीक है और एडिट ऑप्शन आएगा तो सब लोग उसको क्या कर लेना, ये वाला प्रिंट आउट करके अपडेट कर देना, फिर से नया वाला अपलोड कर देना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो के बाद आज चैनल को सब्सक्राइब हर कोई कर लेगा, क्योंकि पूरे काउंसलिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल चैनल होने वाला है। ठीक है हर हर महादेव।